महाभारत के अस्तित्व को लेकर कई तरह की बातें सामने आती हैं। वहीं देश भर में कुछ ऐसी जगह भी है जिन्हें देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि महाभारत का युद्ध हुआ था। ऐसी ही एक जगह हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में धनेटा के पास रासनौंड में आज भी मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त किया था। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के 16 सिंगी धार के नीचे बसा रासनौंड गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। अनदेखी के चलते ऐतिहासिक धार्मिक धरोहर अपना अस्तित्व खो रही है और इस कारण लोगों में भी प्रशासन और सरकार के प्रति रोष पनप रहा है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे। उन्होंने यहाँ पर पानी पीने के लिए एक बावड़ी का निर्माण किया जो आज भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ एक जमीन पर उकेरा हुआ चक्रव्यूह भी मौजूद है। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने पर उसे पत्थर पर उकेरा जो आज भी मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो इसके अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ते का पता नहीं चलता है। एक खंडर नुमा महल के पास यह चक्रव्यूह मौजूद है जिसे पिपलू किले के नाम से जाना जाता है। ये किला एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि एक खंडर नुमा मंदिर की जगह लोगों ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर को आज बन खंडेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज इस स्थल की अनदेखी पर लोगों में भी मलाल है। जनरल जोरावर सिंह कॉलेज धनेटा के इतिहास के प्रोफेसर राकेश शर्मा ने बताया कि रासनौंड का संबंध महाभारत में पांडवों के समय से है और आज भी यहां पर मौजूद चक्रव्यूह रचना के अलावा रासनौंड है, लेकिन सरकार व प्रशासन की अनदेखी के चलते ये स्थल गुमनामी के अंधेरे में लुप्त होता जा रहा है। यह इसके क्षेत्र की कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से तो ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण है। सबसे इसके लिए इस धरोहर का जो खंडित होना है, इस धरोहर का जो विनाश होना है, इसके लिए केवल यहाँ के स्थानीय लोग या यहाँ की मंदिर कमेटी या बाकी के लोग ही जिम्मेवार नहीं है, बल्कि जिला प्रशासन, भारत सरकार भी इसके लिए मैं एक समझता हूँ कि जिम्मेवार हो सकती है। एक ऐतिहासिक चक्रव्यूह हमारे पीछे जो यहाँ एक विधाल मंदिर कमेटी द्वारा बना दिया गया, इसका स्पशान का बना हुआ एक बहुत विशाल खंडहर था यहाँ पे, जिसको रेनोवेट करके एक नया मंदिर का प्रारूप दे दिया गया। वर्तमान में यदि उसके ऊपर किसी प्रकार का शोध करना, उसको अध्ययन करना हो, तो वो प्रारूप तो विलुप्त ही हो गया, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से वो ऐतिहासिक पहलुओं को नहीं समझते, इसलिए उन्होंने जो पुराने चित्र थे उनके ऊपर रंग कर दिया है, पुरानी शिलाओं को नीचे दबा दिया गया है और जो खंडर बाकी की चीजें हैं वो एक किस्म से वीरान पड़ी हुई हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि इस क्षेत्र के ऊपर ऐतिहासिक दृष्टि से शोध करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये धार्मिक मान्यता के अनुसार राजनौंड हमीरपुर कुरुक्षेत्र के साथ कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है, पांडवों के साथ या प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। ये एक इस ओर प्रयास करने की सभी को आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये राजनौंड जो क्षेत्र है, इस राजनौंड के नाम से इस संदर्भ में सामने आता है कि ये राजा द्वारा बनाया गया नौंड है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ के लोगों का मानना है, ये यहाँ पर देखने के बाद जो प्रत्यक्ष प्रमाण सामने आता है उसके अनुसार हमें लगता है। अभी आपने इसमें व्यू को देखा होगा और उस व्यू में आपने देखा कि किस प्रकार से पानी के नौंड से पानी आता है और उसको यहाँ पर इससे गुजरता है। लोगों की मान्यता यह है कि जब पांडव अज्ञातवास के समय में यहाँ आए थे तो उसमें वो यहाँ आकर उन्होंने एक किस्म से युद्ध अध्ययन के लिए यहाँ पर व्यू रचना की थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद, मतलब कुछ समय के बाद ही उन्होंने यहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि कहीं आइडेंटिटी ना हो जाए, इसलिए हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे मिलते हैं। उसके बाद जब ये स्थान यहाँ पर ये पाषाण का बना हुआ इतना बड़ा चक्रव्यूह है, बाद में यहाँ महाराजा संसारचंद हुए जिनका वर्णन किताबों में मिलता है, और यहाँ से 16 सिंगी धार के ऊपर जो किले हैं वहाँ जाने के लिए ये एरिया उनके क्षेत्र में आता था, तो इसलिए उन्होंने यहाँ इस क्षेत्र में एक नौंड बनाया और एक बड़ा ट्याड़ा है जो आप ऊपर देखेंगे अभी, वो ट्याड़ा बना हुआ है और उसकी निकासी के लिए इसको यहाँ पर, ये स्थापित पहले ही था लेकिन उसको इस तरह से यहाँ पर नौंड का बनाया गया कि जिससे पानी जो है वो इस व्यू रचना से, जिसको ये गंगा जल कहते हैं, लोगों की ये भी मान्यता है कि बैशाखी के दिन ढाई घड़ी के लिए गंगा इस नौंड में आती है। तो इस दृष्टि से ये ऐतिहासिक दृष्टि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पिछले 2001 से लगभग 18 वर्षों से जब मैंने इसको यहाँ पे, मैं पहली बार यहाँ पोस्टेड हुआ और जब मैंने यहाँ पे देखा
तो उसमें से मैं निरंतर इस विषय को लिख रहा हूं, ना तो प्रशासन ना पुरातत्व विभाग ने इस ओर कोई नजर दौड़ाई है, लेकिन यहां की लोगों की कमेटी द्वारा इसको संरक्षित करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तो लोगों की मान्यता देखें, और साथ में अगर हम लोग इतिहास में और शोध में आगे जाएंगे तो निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जो पुरातन धरोहर है अगर उसको हम लोग उत्खनन करके देखें और इसको हम लोग अगर किसी साइंटिफिक वे से इसका अध्ययन करें तो मुझे लगता है कि इसका कालखंड जो है वो बड़ा पीछे निकल सकता है। तो निश्चित तौर पर ये लोगों की आस्था का प्रश्न नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगर ये व्यूह रचना, इस प्रकार की व्यूह रचना अगर ऐसा है कि ये कुरुक्षेत्र में है और यहाँ है, तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर इसका अध्ययन किया जाए, इसके ऊपर शोध किया जाए, तो निश्चित तौर पर हम इसके ऊपर पहुंच सकते हैं कि वाकई ये पांडवों के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। और ये हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, पांडव इस इर्द गिर्द के क्षेत्रों में रहे हैं, तो ये राजनौंड में भी आए होंगे, इसको हम लोग प्रमाणित कर सकते हैं। फिर राजनौंड में मौजूद महाराज शीतलगिरी ने बताया कि देश भर में केवल कुरुक्षेत्र और हमीरपुर के राजनौंड में एक जैसे चक्र व्यूह रचना बनाई हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि पांडवों ने समय रहते यहां पर व्यूह रचना की थी, जिसे किन द्वितियों में भी जिक्र किया जाता है। व्यूह रचना जैसे है कि जैसे भारत में पांडव लोग आए थे पूरे भारत में, और पूरे भारत में जहाँ कुछ न कुछ तो बनाया ही है। मानता यह है कि इसकी जो व्यूह चक्कर है, और व्यूह चक्कर के मानता मतलब कि ये गर्भजूनी होता है, जैसे कि आप हमारे अंदर ही चक्कर चल रहा है, वही चक्कर ये है। इसको महाभारत जो महाभारत में महाभारत में ही जुड़ा था, महाभारत से जुड़ा है। एक तो है कुरुक्षेत्र में, एक यहाँ राजनवन में है। आज भी लोग मानते हैं यहाँ पे? हाँ, मानते हैं। जिसके संतान नहीं होता है तो वो अपने आके यहाँ से पत्थर उत्थर, ये गंगा जल है बौड़ी के, लेके जाते हैं लोग बाग। गौरतलब है कि ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल राजनौंड में वर्तमान में प्राकृतिक रूप से छेड़छाड़ होने के कारण कई तथ्यों को समझना मुश्किल हो रहा है, और आईपीएच विभाग द्वारा राजनौंड पर लेंटर डालकर उसे वास्तविक रूप को बदल दिया है। अगर समय रहते इस तरह की पौराणिक धरोहरों को संजोया नहीं गया तो आने वाले समय में इनका नामो निशान तक नहीं रहेगा।